देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी लोग भी हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह नारा दिया कि हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा, यह कहकर उन्होंने हर भारत के हर नागरिक के अंदर एक विश्वास जताया है कि हर नागरिक भारत का जो है वो इस तिरंगे की रक्षा करेगा, इस तिरंगे का सम्मान करेगा। ऐसा विश्वास जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के सभी भारत के नागरिकों को किया है उसके लिए उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि पूरे जैसे पूरे देश में हर घर तिरंगा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इसी तरह से मराड़ और मालोनी इस क्षेत्र में भी हम लोग ने तिरंगा यात्रा जो निकाली है। अभी तिरंगा यात्रा यहाँ से मालोनी अम्बरवाड़ी से लेकर मराड़ तक जाएगी और वापस यहाँ पर हर विकेट पर हमारे पहाड़ तक आएगी। सभी कार्यकर्ता जो है हमारे वो बाइक पर रक्षा में और गाड़ी के साथ से रैली में चलेंगे। आज यहाँ के हर घर के लोग रैली में शामिल है, चाहे जो भी है इसमें सब शामिल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तिरंगे की शान सबको प्यारी है और सभी भारत का नागरिक, सभी यहाँ के रहवासी जो है वो भी इसमें शामिल है। बीजेपी का झंडा तो लहरा ही रहा है, तो समय हम लोग खाली और खाली तिरंगे की लहरें करने के लिए तत्पर है। और तिरंगा जो हमारे जैसे हमारे हाथ में आता है, आप देखते हो कि अभी तक क्या था, तिरंगा हर कोई लहरा नहीं सकता था, आज तो हर कोई तिरंगा लहरा सकता है। जैसे ही हम लोग तिरंगा अपने हाथ में लेते हैं वैसे ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के संचार से हमारे मन में ऐसी भावना पैदा होती है कि तिरंगा को हम विश्व के शिखर पर लहराएं, ऐसी भावना सभी के मन में पैदा होती है। आप भी अगर तिरंगा को हाथ में लेंगे तो आपके मन में आएगा कि लहराया जाए। आज भारत माता की जय।